नमस्कार, संगीता अग्रवाल .com पर आपका स्वागत है। आइए आज हम गार्लिक पोटैटो नगेट्स बनाएंगे। इसके लिए हमने 3 आलूओं को हाफ बॉयल करके उन्हें बिल्कुल ठंडा कर लिया और उसके बाद हमने इन्हें छील लिया है। अब हम इसे कद्दूकस में कसेंगे। अब हम इसमें 1 छोटी चम्मच बारीक घिसा अदरक, 1 बड़ा चम्मच बारीक घिसा लहसुन, आधी छोटी चम्मच नमक, नमक आप अपने स्वाद के अनुसार कम या ज्यादा कर सकते हैं, आधी चम्मच लाल मिर्च पाउडर। अब हम इसमें 2 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लोर डालेंगे और आधी चम्मच काली मिर्च पाउडर डाल करके इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। अगर आपका पेस्ट थोड़ा भी पतला हो तो आप उसमें करीबन आधी चम्मच कॉर्नफ्लोर और मिला लें। हमारी सभी चीजें आलूओं में अच्छे से मिल चुकी हैं। अब हम प्लेट में थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर डाल करके पेस्ट का रोल बनाएंगे। हमें इसमें चिकनाई वगैरह नहीं लगानी है। अब हम रोल को आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे जिससे कि ये सेट हो जाए। हमारे रोल को फ्रिज में रखे हुए आधा घंटा हो चुका है, हमने इसे बाहर निकाल लिया है। अब हम इसके पीस काटेंगे। मैं यहाँ पर पीस में कट कर रही हूँ, आप चाहें तो इसे कोई और भी शेप दे सकते हैं। अब हम इन्हें सैलो फ्राई करेंगे। अब हम एक पैन को गरम करके उसमें आधी कटोरी रिफाइंड ऑयल डालेंगे। अब हम तेल को चेक करेंगे, हमारा तेल गरम हो चुका है। अब हम इसमें फिश डालेंगे। अब हम इन्हें नीचे से अच्छे से सिकने देंगे। आप इन्हें डालने के बाद तुरंत ना पलटें, 1-2 मिनट इसी तरीके से सिकने दें और उसके बाद अब हम इन्हें पलटेंगे। और अब हम इन्हें दूसरी तरफ से भी अच्छे से सेक लेंगे। इन्हें पलटने के बाद आप गैस को मीडियम कर दें, नहीं तो ये जल जाएंगे। और मीडियम गैस पर 2-3 बार अलटते पलटते हुए इन्हें सेक लें। आप देख सकते हैं कि हमारे नगेट्स अच्छे से सिक चुके हैं। अब हम इन्हें एक प्लेट में निकाल लेंगे और गर्मा गर्म चाय के संग सर्व करेंगे। लीजिए, हमारे गार्लिक पोटैटो नगेट्स तैयार हैं। ये रेसिपी आपको कैसी लगी ये हमें जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।